जय हिंद जय भारत। 3 दिसंबर को राजस्थान आएगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 3 दिसंबर की रात करीब 9 बजे एंट्री लेगी। यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल के जयपुर आने की संभावना है। वहीं यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने राहुल के प्रतिनिधि सुशांत मिश्रा व उनकी टीम झालावाड़ पहुँच चुकी है। मिश्रा राहुल की यात्रा के रूट प्रबंधन और मीटिंग का काम देखते हैं। इस दौरान गहलोत और पायलट एक मंच पर दिखेंगे। मिश्रा ने झालावाड़ के पिपाड़ा क्षेत्र का शनिवार को दौरा किया, जहां से राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में एंट्री लेगी। पहले चर्चा थी कि राहुल गांधी 6 दिसंबर को राजस्थान आएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस यात्रा के रूट में अब तक जयपुर शामिल नहीं था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब राहुल गांधी जयपुर आ सकते हैं। इसके लिए सरकार और कांग्रेस पार्टी के स्तर पर मंथन जारी है। जयपुर क्षेत्र में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, अजमेर, दौसा, अलवर जैसे 6 लोकसभा सीटें जुड़ी हुई है। जिले में शहरी ग्रामीण की 19 विधानसभा सीटें भी है। इन्हीं विधानसभा सीटों में से दूदू, अजमेर, चौमू, सीकर, जमवा, रामगढ़, दौसा, बस्सी दौसा, बानसूर, जयपुर ग्रामीण में आती है। ऐसे में राहुल गांधी के जयपुर आने पर राजस्थान की करीब 15-20% सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जयपुर संभाग के हिसाब से अलवर जिला, सीकर, झुंझुनू, दौसा जिलों के करीब 30 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटें और कवर हो जाएंगी। राज्य सरकार ने राहुल गांधी के प्रतिनिधि सुशांत मिश्रा के साथ खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को यात्रा की तैयारियों का जिम्मा सौंपा है। जैन, जाट और राठौड़ तीनों शनिवार व रविवार को बारा झालावाड़ में ही रहेंगे। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी और सरकार इस यात्रा के दौरान जनता के बीच लगातार यह संदेश भी देना चाहेगी कि वो एकजुट है। वो सरकार या पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी का माहौल नहीं है। इसके लिए 3 दिसंबर से ही यह यात्रा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अभी 1 महीने पहले ही पायलट ने झालावाड़ क्षेत्र की यात्रा की थी। वहां उनके समर्थकों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर उनका स्वागत किया था। ऐसे में इस क्षेत्र में राहुल की यात्रा में पायलट की उपस्थिति रोमांचक रहने वाली है।